अस्सलामु अलैकुम गाइस, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और स्किन केयर प्रोडक्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। ये है एक फेशियल ऑयल। तो मैं पहले आपको स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ से कि फेशियल ऑयल होता क्या है। यूजुअली हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए या तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या सिरम। जब भी हम ऑयल मतलब वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है नो, मतलब ऑयल तो हम स्किन पे क्यों अप्लाई करेंगे। बट फेशियल ऑयल की हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली फॉर ड्राई स्किन पर्सन्स। हम कोई भी ऑयली स्किन वाला पर्सन भी इजीली फेशियल ऑयल यूज़ कर सकता है। मे बी मोस्ट ऑफ अस स्टेड अवे बिकॉज वी हैव ऑयली स्किन, और परहैप्स वी थिंक दैट आवर स्किन इज प्रॉपरली नरिश्ड एंड डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। फेशियल ऑयल इज हाउएवर नॉट ओनली फॉर ड्राई स्किन पर्सन, प्रैक्टिकली एनी वन कैन यूज इट बिकॉज इट इज़ अ बेनिफिशियल पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। बट हैविंग अ टन ऑफ ऑयल ऑन आवर फेस मे नॉट सीम आइडियल एंड इट ऑल्सो क्लोक्स योर पोर्स। अब मार्केट में दो टाइप्स के ऑयल अवेलेबल हैं, सिंथेटिक और जस्ट एसेंशियल ऑयल्स लाइक प्लांट बेस्ड ऑयल। तो जो दूसरे ऑयल्स अगर हम स्किन पे अपनी अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पोर्स जो हैं हमारी स्किन के उनको क्लॉट कर देते हैं। बट जो प्लांट बेस्ड ऑयल है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज इट प्रोवाइड्स आवर स्किन एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइज इट वेरी वेल। बिफोर वी गेट इन टू द डिस्कशन आई वॉन्ट यू टू नो दैट वट इज़ फेशियल ऑयल, वट दिस इसेंशियल इज़। तो फेस ऑयल क्या होते हैं, वो एक प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसे प्लांट बेस्ड ऑयल्स बनाए हैं विदाउट एनी सिंथेटिक प्रोडक्ट जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं और बहुत हाइड्रेटेड रखते हैं। इट प्रोवाइड्स आवर स्किन द सॉफ्टनेस, नरिश आवर स्किन एंड बैलेंस स्किन फॉर अ हेल्दी लुकिंग ग्लो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई वी हैव टू यूज फेशियल ऑयल एंड वी हैव टू ऐड फेशियल ऑयल इन आवर डेली स्किन केयर रूटीन। तो पहला मैं यही कहूँगी कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है, हाइड्रेटेड रखता है फॉर अ डे लॉन्ग। और बहुत जब हम फेशियल ऑयल कोई भी अप्लाई करते हैं हमारी स्किन ग्लोई दिखती है, और स्पेशली द ड्राई स्किन पर्सन्स अगर वो फेशियल ऑयल अप्लाई करें बिफोर अप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन, उनका फाउंडेशन कैक ही नहीं दिखता, बहुत अच्छे स्मूदली ब्लेंड्स होता है। और अगर हम अपने स्किन केयर रूटीन के लास्ट स्टेप में अगर फेशियल ऑयल की एप्लीकेशन हो तो वो क्या करता है, हमारी स्किन के एक आउटर बैरियर बना देता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स एंड एनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एंड ये एक मिथ है कि फेशियल ऑयल यूज़ करने से हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। नो, इट वॉन्ट क्लॉग योर पोर्स। नो, अगर राइट अमाउंट में आप अप्लाई कर रहे हैं और अच्छा आपका ऑयल है प्लांट बेस्ड, कोई भी एसेंशियल है, कभी भी आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करेगा। द ऑयल्स ऑल्सो हेल्प योर स्किन टू रीजनरेट एंड रिपेयर। यू विल सी अ रिडक्शन ऑफ अपेयरेंस ऑफ फाइन लाइन, हाइपर पिगमेंटेशन एंड विजिबली फर्मर स्किन। अब आप अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग, अपने स्किन इश्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत टाइप्स के ऑयल अवेलेबल हैं, बट आज हम जिस ऑयल की बात करने जा रहे हैं ये है इंडल्जियो एसेंशियल का रोज़ गोल्ड 24K गोल्ड इन्फ्यूज ब्यूटी ऑयल। ओके, सो दिस ऑयल इज़ मेड अप ऑफ 24K गोल्ड फ्लेक्स। द रोज गोल्ड डेली ऑयल इज द एक्की टाइप ऑफ ऑर्गेनिक लग्जरी प्रिपेयर्ड विद द मदर्स लव। दिस इज 100% प्योर, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम एनी सिंथेटिक फिलर्स और फ्रेगनेंस। पर मैं कहना चाहूँगी फ्रेगनेंस की बात जहाँ आई है, इसकी थोड़ी सी फ्रेगनेंस स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी, पर मुझे नहीं पता सबके लिए है कि नहीं, पर मेरे लिए थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग जो है मैं बेयर नहीं कर पाती, बट इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, पर थोड़ी सी इस ऑयल की फ्रेगनेंस जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये जो ऑयल है ये बहुत ही लाइट वेट है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं, और आप इसको डेली मॉइस्चराइजर से लेकर अपनी स्किन को फुल डे के लिए हेल्थी रखने से लेकर आप मेकअप पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर टू प्रेप योर स्किन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी मेकअप प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में अवेलेबल होता है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। अच्छा, इस के पीछे इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और डायरेक्शन ऑफ यूज़ सब देकर है,
तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 24K गोल्ड फ्लेक्स, पम्पकिन सीड ऑयल। जो पम्पकिन सीड्स हैं वो हमारी स्किन को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन, हाइपर पिगमेंटेशन, दस इट हेल्प इन रिटेनिंग मॉइस्चराइज एंड फाइटिंग अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स एंड मेंटेनिंग अ यूथफुल अपीयरेंस ऑफ आवर स्किन। इसमें रोज हिप सीड ऑयल है, वाइटामिन ई ऑयल है, ऑरेंज पील ऑयल है और लेमन ग्रास ऑयल अवेलेबल है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें हैं वो वाइटामिन सी एंड जिंक, विच हेल्प आर स्किन टू रिमेन टाइट एंड फर्म। दिस ऑयल इज सुटेबल फॉर ऑयली स्किन एज वेल एज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फार्मूला एंड इज ऑल्सो हैव एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो इसके इस बॉक्स में, जिस पैकेजिंग में आता है, इसके पीछे देकर है डायरेक्शन ऑफ यूज़, कॉशंस एंड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ इनके सारे बेनिफिशियल जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब डिटेल में देकर हैं। ये इसका फ्रंट पोर्शन है जिस बॉक्स में ये आता है। अच्छा, ये दो साइज़ में आता है, 15 ml एंड 30 ml। मेरा जो है ये 15 ml वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल को खोल कर। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन ऑफ यूज़ ये सब कुछ प्रॉपरली मेंशन करके है। ओके, ये एक ड्रॉपर और एक ये ग्लास जार में है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर आपको दिख रहे हो तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें गोल्ड फ्लेक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इस बॉटल को आपने पहले शेक कर लेना है बिफोर यूज़, और आपको थोड़ा सा 2 to 3 drops अपने हाथ पे लेने हैं। और उस मैं यूजली प्रोडक्ट को कभी भी अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। हमेशा मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके उसको थोड़ा अपने हाथ पे रब करके, जब वो थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसके प्रोडक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी स्किन पर डैप करती हूँ सिर्फ। बाकी हर एक का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने फेस और नेक को हमेशा कवर करें जब भी आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये एक टिप है, कभी भी अपने फेस तक नहीं सिर्फ यूज़ करना, हमेशा अपने नेक को भी साथ कवर करना है। अच्छा, एक और ख़ासियत है इस ऑयल में कि आप इस ऑयल को अपने लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी होता है कोई भी मैट लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमारे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, तो उस ड्राई लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप ये ऑयल अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी मैट लिपस्टिक। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट विद योर एनी मैट फाउंडेशन। आप 2 to 3 drops इसको अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करें तो आपका मैट फाउंडेशन भी बहुत ही ग्लोई लुक देगा आपकी स्किन पर। और आप अगर आपकी अंडर आईज ड्राई हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी कंसीलर, आप अपने अंडर आई एरिया को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन 2 to 3 drops ऑन योर डैम ब्यूटी स्पॉन्ज और एनी ब्रश विच यू आर गोइंग टू यूज़ टू ब्लेंड योर फाउंडेशन और एनी कंसीलर। ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करता है। मैंने ये ऑयल विंटर्स में ख़रीदा था बिकॉज विंटर्स में, मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में भी बताया कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हमारे यहाँ 2-3 फंक्शन थे, तो मैंने सोचा था यूजुअली मैं मैट फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, तो वो अप्लाई करके मेरी स्किन पे बहुत ही कैकी लुक आता था, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है मेरी विंटर्स में। उस के लिए मैंने अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए प्लस अपने प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज़ करने के लिए मैंने ये ऑयल ख़रीदा था। एंड ये ऑयल यकीनन आपको बहुत बहुत अच्छा ग्लो देता है और आपकी स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेट करता है, कभी भी इसके एप्लीकेशन के बाद आपका फाउंडेशन केकी नहीं होगा। और यूजली मेरे अंडर आइज एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो कोई भी कंसीलर अप्लाई करती हूँ तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता ड्राइनेस की वजह से, तो हमेशा मैं अंडर आई एरिया को अपने हाइड्रेट करती हूँ ये कोई भी कंसीलर एप्लीकेशन, कोई भी फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले इस ऑयल की हेल्प से। और ये ऑयल को मैं यूजुअली, मैंने आपको बताया तभी क्योंकि मैं इसको अपने फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा फाउंडेशन मैट है और मेरी स्किन ड्राई है इन दिनों, तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, तो मैं अपने फाउंडेशन के साथ 1 and 2 drops, hardly 2 drops, ये वैसे रेगुलर बेसिस पे मैं 1 ही ड्रॉप ऐड करती हूँ,
उससे मेरा स्किन फाउंडेशन की थोड़ी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाती है और मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से एप्लीकेशन भी मेरे लिए इजी हो जाती है, प्लस एक रेडिएंट ग्लो देता है स्किन को। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है बहुत कि मतलब ये कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है वो केकी हो जाता है, हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, वो ड्राई है, हमारी स्किन ड्राई है, हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, हम अच्छे से स्किन प्रेप करते हैं, बट फिर भी जो है फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, कुछ कुछ जगह से हट जाता है। तो उनके लिए यही टिप है कि आप हमेशा कोई भी अच्छा जो भी फेशियल ऑयल है वो अप्लाई करें। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी एंडलजियो का फेशियल ऑयल, ऑयल भी मैंने नायका के भी कुछ फेशियल ऑयल यूज़ करे हैं और भी कुछ ब्रांड्स के करे हैं, बट जो मुझे ये अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता, मुझे अभी तक कोई इतना पसंद नहीं आया। अब मैं इंशाल्लाह आगे भी ये मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं दोबारा ख़रीदूँगी। पर आप जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में भी इसको ऐड कर सकते हैं, नो इश्यू। बट होता है कि कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, हम यूजली डेली स्किन केयर रूटीन में इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड करते, तो इसलिए मैं इसको हमेशा मेकअप के साथ ही यूजली करती हूँ। और हाँ, अगर मुझे कोई लगे कोई ओकेशन है, कहीं मुझे जाना है, तो मैं 2-3 दिन पहले अगर अपनी स्किन प्रेप करनी हो मैंने, तो मैं इस ऑयल की हेल्प से करती हूँ, अपने स्किन केयर में मैं ऐड कर लेती हूँ, प्लस अपनी स्किन प्रेप करती हूँ इसी ऑयल की हेल्प से, प्लस अपने फाउंडेशन में मैं ऐड करती हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, यूज़फुल हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी आपको इंशाल्लाह। फिर से मिलेंगे एक नवी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ़।